हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं BSNL JTO LIC 2013 महाराष्ट्र सर्कल का ये पेपर है जिसका आंसर की नहीं था। हाँ, इसलिए मैंने इसको पहले कवर किया है। ये वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ है वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या ICT है, अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तब भी आपके लिए यूज़फुल क्वेश्चन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इतने टफ नहीं है। आप बोल सकते हो कि डिप्लोमा लेवल का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन है अच्छे, बाकी बहुत ही सिंपल और पीटे हुए क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बाइट इज, हाँ बाइट मतलब ग्रुप ऑफ 8 बिट, आप सबको पता है। हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर क्या करेगा, हाँ ये पूछा है। इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, नहीं पूछा है। हाँ, काफी एग्जाम में इस क्वेश्चन पहले पूछ लेते थे। हाँ, कौन सा इसमें से इनपुट यूनिट है, जैसे कि ऑप्शन में माउस दिया हुआ रहता है या कीबोर्ड दिया हुआ रहता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर फीड्स द डेटा इन द इनपुट, रिट्राइज डेटा फ्रॉम द CPU, फीड्स द डेटा इन द CPU, डायरेक्ट ऑल अदर यूनिट और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फीड द डेटा इन टू द CPU। इनपुट यूनिट क्या करेगा, डेटा को इन करेगा। हाँ, तो सिंपल है बहुत ही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी कैरीड अराउंड, हाँ मतलब कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो आप साथ में ले जा सकते हो। हाँ, अभी तो आप पेन ड्राइव का ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम, तो शायद उस ज़माने में पेन ड्राइव नया था तो बहुत ज़्यादा फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे उस ज़माने, मतलब बहुत सालों पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब यहीं 8-9 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ जब ये पेपर हुआ था। हाँ, तो फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जिसको आप कैरी डाउन कर सकते हो। मेन मेमोरी रजिस्टर कोर मेमोरी आपका CPU के अंदर होता है, तो इसको आप साथ में हर जगह पर ले जा नहीं सकते। हाँ, तो फ्लॉपी डिस्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ, हाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, सिस्टम प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बिल्कुल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम बिल्कुल होता है, ऑल ऑफ दिस मतलब तीनों हो गए, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सी लैंग्वेज कैन बी यूज ऑन ओनली MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ओनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओनली Xenix ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑल ऑफ दिस। सी लैंग्वेज जो है इन सब में यूज हो सकता है, इसलिए आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। हाँ, सब में आप सी लैंग्वेज का यूज जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP के बारे में पूछा है। ARP क्या होता है, हाँ ऑप्शन ये है, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज टू डायनामिकली बाइंड अ हाई लेवल IP एड्रेस टू अ लो लेवल फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस। TCP/IP हाई लेवल प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। अ प्रोटोकॉल यूज, अच्छा, ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, तो आंसर क्या आएगा, FTP आएगा, हाँ ARP नहीं आएगा। अ प्रोटोकॉल यूज टू मॉनिटर कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं है। प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स एरर एंड कंट्रोल मैसेज, हाँ तो ये सही आंसर है, प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स एरर एंड कंट्रोल मैसेज ARP का ये फंक्शन है। ARP करता क्या है, हाँ ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राइट नाउ काफ़ी सारे एग्जाम में अब ये पूछते, अब ये नहीं पूछते कि ARP हैंडल करता है एरर कंट्रोल मैसेज को, अब ARP ये करता क्या है ये पूछते हैं। ARP क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल बताऊँ, हाँ तो ARP जो है दैट इज़ यूज टू फाइंड द फिजिकल, और आप कह सकते हो MAC एड्रेस ऑफ नोड अदर इट्स वेयर IP एड्रेस इज नोन। हाँ मतलब MAC फाइंड करता है, आपको IP पता है उस पे से। और एक और प्रोटोकॉल होता है जिसे कहते हैं RARP, हाँ मतलब रिवर्स ARP प्रोटोकॉल, वो क्या करता है, वो IP फाइंड करता है फ्रॉम द MAC एड्रेस। हाँ मतलब फिजिकल एड्रेस आपका गिवन है तो IP एड्रेस है वो डिस्कवर कर देगा, ये रिवर्स ARP का काम है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल के बारे में भी पूछते हैं, अब एग्जाम में ये पूछते हैं, हाँ कि मुझे IP पता है और MAC फाइंड करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करूँगा, तो MAC फाइंड करना है तो याद रखना ARP का, IP फाइंड करना है तो रिवर्स ARP का। हाँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स फ्रॉम
वन मशीन टू अदर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया हाँ कि एक मशीन दूसरे मशीन में फाइल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हमने जो पहला पेपर सॉल्व किया था वहाँ भी मैंने आपको डिटेल में बताया था इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, IPv4 हाउ मेनी बीट्स इंटरनेट एड्रेसिंग इज यूज, हाउ मेनी बीट, हाँ मतलब 32 बीट IP में यूज होगा IPv4 में। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड हुआ होगा, हाँ ये पहले का पेपर है एक्चुअली, लेकिन हम रिपीटेड इसलिए बोल रहे हैं कि हमने उल्टा स्टार्ट किया, हाँ पहले 16 का फिर 19 का और अब हम 2013 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी पहले आ गया है। फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन, हाँ इसके बारे में भी पहले पूछ लिया था। फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन में क्या होता है, हाँ रिक्वायर्स, देखो यहाँ पे छोटा सा रिक्वायर पेयर ऑफ केबल, आप ऐसा बोल सकते हो, टू पेयर ऑफ केबल, ऐसा नहीं, थोड़ा टिपिकल इंग्लिश है, हाँ बाकी ये बिल्कुल सही है। कैन ट्रांसफर डेटा इन बोथ डायरेक्शन, बिल्कुल कर सकता है। रिक्वायर मॉडेम एट बोथ एंड ऑफ द सर्किट, बिल्कुल चाहिए, हाँ तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दीज आर प्राइवेटली ऑन नेटवर्क विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और कैंपस, हाँ विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और कैंपस आपका नेटवर्क है तो उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, अदरवाइज कैंपस एरिया नेटवर्क, हाँ सैन भी कहते हैं, ये सारे बने बनाए हुए हैं एक्चुअली, हाँ एक्चुअली तो लैन वैन और आपका वैन मतलब आपका वायरलेस एरिया नेटवर्क जो होता है वो नहीं है, वायर्ड एरिया नेटवर्क है, और मैन मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो पूरे सिटी में है, हाँ एक्चुअली तो दो ही है आपका लैन एंड वैन, हाँ जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है और एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ये आपका प्राइवेटली ओन नेटवर्क जो है वो लोकल है, बाकी तो बहुत सारे नाम बनते हैं, आप इसके 10-15 ऐसे नाम देख सकते हो, स्कूल में है तो स्कूल एरिया नेटवर्क, कैंपस है तो कैंपस एरिया नेटवर्क, बहुत सारे नाम दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, MS Word, Google, Java ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ जिस सर ने आंसर किया है उसका बिल्कुल सही है। नाउ मैच लिस्ट वन लिस्ट टू के साथ सिंबल ऑफ जावा कंपेरिजन ऑपरेटर दिए है, उसका मीनिंग दिया है डबल इक्वल टू, मतलब क्या होगा, इक्वल टू होगा तो ए के साथ टू आएगा, ये जो सिंबल है हाँ ये नॉट इक्वल टू का है, मतलब बी के साथ थ्री आएगा, और ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, हाँ आपको देख के पता चल जाएगा, मतलब बहुत ही सिंपल है, हाँ थोड़ा सा मैथ्स आता है तब भी आपको पता चल जाएगा, तो ए टू बी थ्री सी टू सी वन सॉरी, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन TCP/IP मॉडल, हाँ देखो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जनरली TCP/IP मॉडल में चार लेयर है, आपको सबको पता है, आपके सात लेयर है OSI मॉडल में, हाँ तो कौन से दो लेयर यहाँ TCP/IP में नहीं है, TCP/IP में आपका प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, हाँ ये जो है आपका वो नहीं होता, उसका काम जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कर देता है, अगर ऑप्शन में चार नहीं दिया है और पांच दिया हुआ है तब भी वो ऑप्शन सही है, हाँ कि एप्लीकेशन लेयर है वो एक्चुअली ये सारे लेयर का काम करता है, हाँ उस केस में, क्योंकि आपका फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर तो है ही, हाँ तो बाकी का जो ऊपर का लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर बन जाए, ऐसे चार लेयर बनते हैं तो थोड़ा सा ये अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग बुक में दिया हुआ रहता है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, चार की जगह पे पांच ऑप्शन में दिया है तब पांच भी सही आंसर है, ठीक है, अदरवाइज चार तो आपको पता ही है सही आंसर है, और कौन सा लेयर नहीं होता ऐसा क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल पूछ सकते हैं, हाँ अभी ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन TCP/IP मॉडल, तो मैंने आपको आंसर बता दिया। मैगर इज यूज फॉर द रेजिस्टेंस मेजरमेंट, हाँ ये तो बिल्कुल बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर, मल्टीमीटर क्या मेजरमेंट करने के लिए जो होता है, रेजिस्टेंट करंट वोल्टेज, इसका हमने बहुत डिटेल में बात किया था जो मैंने आपको 2016 का पेपर सॉल्व करवाया है, हाँ कि मल्टीमीटर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, इससे अगर ऐसा पूछ लिया कि प्रेजेंस ऑफ करंट दिखाने के लिए क्या यूज होगा तो फिर कैलोरीमीटर आंसर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच हैव, हाँ देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वो है जिसका न्यूमेरिकल रीडआउट होता है, LED और LCD डिस्प्ले का यूज करता है, हैव अ सर्किटरी ऑफ डिजिटल डिजाइन, ये सही आंसर है, हाँ देखो न्यूमेरिकल रीडआउट है मतलब डिजिटल डिस्प्ले है,
हाँ तो यहाँ ये देखो, ये सर ने न्यूमेरिकल रीडआउट आंसर कर दिया है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल होता है डिजिटल होता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो डिजिटल डिस्प्ले है, यहाँ पे पूछा क्या है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पूछा है। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसे छोटे छोटे ट्रिक जो है वो काम कर जाते हैं। हाँ ऐसा का बहुत सिंपल पेपर भी हो तब भी आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हो। वोल्ट मीटर यूजिंग द थर्मोकपल क्या मेजर करेगा? हाँ वोल्ट मीटर यूजिंग द थर्मोकपल RMS वैल्यू को मेजर करेगा, बिल्कुल ये सर का सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इज मेजर्ड बाय, रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज किससे मेजर करेंगे? रेक्टिफाइंग द वोल्टेज, एम्पलीफाइंग द DC आउटपुट वोल्टेज, मेजरिंग द DC आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर, और ये तीनों ऑपरेशन को कंबाइन करके हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द स्टोरेज बैटरी यूज इन द पावर स्टेशन एंड द सब स्टेशन इज जनरली, स्टोरेज बैटरी जो आपका यूज होता है कौन सा होता है? आपको पता है लीड एसिड बैटरी होता है। हाँ तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिंक कार्बन बैटरी नहीं होता। हाँ ये सर ने दोनों का मार्क कर दिया है, क्वेश्चन बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लगेगा मुझे कि यहाँ से एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं वहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन स्टोरेज बैटरी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज, सीरीज पे कनेक्ट किया क्या बढ़ाना है? वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना है। आपको पता है कि आपके एक्सचेंज में -48 वोल्ट का यूज़ होता है, जिसमें 24 सेल्स 2 वोल्ट के लगाए जाते हैं। हाँ बैटरी में बात कर रहा हूँ, तो कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इन टर्म्स ऑफ एम्पियर आवर, आपको पता है आपका मोबाइल का बैटरी जो होता है मिली एम्पियर आवर में होता है। हाँ वो वही देख के आप मोबाइल का बैटरी रेटिंग, और आपका अगर ब्लूटूथ ईयरफोन है तो उसका बैटरी रेटिंग देख के आप उसका प्राइस वगैरह से देख के ही परचेस करते हो, ठीक है। तो एम्पियर आवर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द रेजिस्टेंस ऑफ 230 वोल्ट 100 वोल्ट लैम्प इज, देखो क्या होगा आपका पावर का क्वेश्चन। हाँ P इज इक्वल टू V² / R, आपका पावर क्या होगा? P इज इक्वल टू V² / R, ऐसा करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा? 529 ओहम मिलेगा, यहाँ P दिया हुआ है, R आपको बताना है। नेक्स्ट, द AC सर्किट हैज 2 ब्रांचेस इन द पैरेलल, द करंट इन 1 ब्रांच इज 5 एम्पियर, देन द करंट सोर्स मस्ट बी मोर देन 5 एम्पियर, सर ने लग दिया है। हाँ क्योंकि एक में 5 तो दूसरे में 5 ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन सर ने देखा नहीं है कि यहाँ पे AC सर्किट दिया हुआ है। हाँ AC सर्किट है तो वो इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल हाँ 3+4J है करंट, AC करंट है, हाँ तो कॉम्प्लेक्स पार्ट भी होगा तो भी उसका करंट 5 एम्पियर हो सकता है। हाँ अदर ब्रांच में x+±JY हो सकता है, टोटल करंट है तो 3±x+4±Y हो सकता है। हाँ तो ये 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है, इक्वल टू 5 भी हो सकता है, क्योंकि AC सर्किट है इसलिए, DC सर्किट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ तो ये क्वेश्चन अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल पेपर में ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, अच्छे से समझो, बाद में आंसर करो। द करंट रेटिंग ऑफ अ केबल डिपेंड्स ऑन, करंट रेटिंग ऑफ केबल जो है वो डायमीटर ऑफ द केबल पे डिपेंड करता है, क्योंकि करंट रेटिंग ऑफ केबल जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ क्योंकि करंट कहाँ पे फ्लो होता है? करंट सिर्फ क्लोज लूप में फ्लो होता है, हाँ करंट ओपन लूप में कभी फ्लो नहीं होता। लेंथ ऑफ केबल से उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर क्लोज पाथ बनेगा तभी करंट होगा, तभी आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। EMT में डिटेल में हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है और बहुत लोग काफ़ी बार इसका गलत आंसर करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस सी इज रेज्ड टू अ वोल्टेज वी, द एनर्जी स्टोर्ड विल बी 1/CV² होता है। देखो सर ने CV² आंसर कर दिया, CV² पहला ऑप्शन देख के ही लग जाता है कि ये आंसर कर देते, लेकिन नहीं यहाँ पे 1/2 नहीं दिया है, 0.5 दिया है, तो बिल्कुल सही है, 0.5 दिया है तो 0.5 CV² आंसर होगा। एक्चुअली यहाँ पे 0.5 CV² भी दिया है, ये भी नहीं, हाँ ये ऑप्शन से ही सही आंसर है। तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1/2 CV². अच्छा अगर L होता तो 1/2 LI² आपको बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अ साइनोसोइडल वोल्टेज इज अ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट, तो RMS वैल्यू क्या होगा? हाँ आपको पता है IRMS और VRMS इज इक्वल टू VM/√2 करोगे तो आपको 70.7 मिलेगा। हाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है 70.7। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसिस इज, क्या है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसिस को अर्थ करने का पर्पज क्या होता है? हाँ टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शॉक, बिल्कुल हाँ सेफ्टी करने के लिए ही तो करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आपके घर में जो यूज होता है क्या यूज होता है? 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ अ फ्यूज ऑफ हायर देन रिक्वायर्ड करंट रेटिंग इज एम्प्लॉयड इन द सर्किट, इट विल क्या करेगा? मतलब जो रिक्वायर रेटिंग है उससे ज्यादा रेटिंग का आपने फ्यूज लगा दिया, हाँ, करंट रेटिंग का, तो क्या करेगा? ओवरलोड करेगा। हाँ, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली आपको बहुत बेसिक 11th 12th साइंस में भी फ्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़े हो तब भी पता होगा, ओवरलोड कर देगा सर्किट को। हाँ, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। देन एक्टिव नेटवर्क है, एक्टिव नेटवर्क में क्या होगा? एक्टिव नेटवर्क में EMF सोर्स या करंट सोर्स होगा, तो ऑप्शन आइदर ए और बी, ये दोनों सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, पुअर पावर फैक्टर। हाँ, पुअर पावर फैक्टर क्या होगा? आपका रिड्यूस करेगा लो रनिंग कैपेसिटी को, पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए। हाँ, कोई भी सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाँ, थोड़ा बहुत बात हमने पावर फैक्टर के बारे में किया था, आपका एक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर जो होता है उसका रेशियो होता है पावर फैक्टर। हाँ, रिजल्ट इन मोर पावर लॉस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ओवरलोड, ऑल्टरनेट ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ये सारे सही है। पावर फैक्टर अगर पुअर होगा तो ये सब कुछ होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफार्मर पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। हाँ, आपका मैक्सिमम ट्रांसफर पावर मैंने आपको बोला था, हाँ, तब भी इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया उसमें भी, कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, RL इक्वल टू RS होना चाहिए, मतलब सोर्स लोड इक्वल, सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। काफी जगह पे इस थियरम का बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट, नीड ऑफ DC पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हाँ, कौन से रीजन की वजह से DC पावर सप्लाई का यूज करते हैं? हार्मोनिक ऑफ AC में अफेक्ट द स्पीच ऑफ सिग्नल, ट्रांसफर ICTC बीइंग अन यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, द यूज ऑफ DC हैज बिकेम नेसेसरी, अरेंजिंग स्टेट बाय सोर्स टू AC, इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर द DC फॉर विच सेकेंडरी सेल्स कैन बी यूज एज स्टैंड बाय सोर्स। ये सारे जो है वो सही, यहाँ इसीलिए DC पावर सप्लाई का यूज करते हैं हम हमारे टेलीफोन एक्सचेंज में। ठीक है, नेक्स्ट, पॉजिटिव लॉजिक क्या दिखाएगा? पॉजिटिव लॉजिक मतलब क्या, ये पूछा है। पॉजिटिव लॉजिक मतलब लॉजिक 0 मतलब लोअर वोल्टेज, लॉजिक 1 मतलब हायर वोल्टेज। अगर उल्टा है तो नेगेटिव लॉजिक होगा, मतलब पॉजिटिव लॉजिक 0 मतलब हायर वोल्टेज, लॉजिक 1 मतलब लोअर वोल्टेज। ठीक है, ECL में कौन सा लॉजिक यूज होता है, पॉजिटिव लॉजिक की नेगेटिव लॉजिक, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। हाँ, अगर आपको सही आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ECL में कौन सा लॉजिक का यूज होता है, पॉजिटिव लॉजिक का कि नेगेटिव लॉजिक का, क्योंकि ECL में नेगेटिव सप्लाई का यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इसमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप नहीं है? जेके RSD सारे फ्लिप फ्लॉप है, PLA जो है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ये फ्लिप फ्लॉप नहीं, एक ROM है। नेक्स्ट, द MOSFET स्विच इन इट्स ऑन स्टेट मे बी कंसिडर्ड एज मॉस कैप। हाँ, आपको पता ही है MOSFET क्या होता है, कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल लॉजिक फैमिली, डिजिटल लॉजिक फैमिली नहीं है तो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है। हाँ, डिजिटल लॉजिक फैमिली नहीं होता, DTL, TTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, CMOS आपका, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री MOSFET, तो सारा जो है वो क्या है आपका डिजिटल लॉजिक फैमिली है, ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है, डिजिटल लॉजिक फैमिली नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द 10 क्या होगा, मतलब डेसिमल 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1010 आपको पता ही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है YouTube चैनल पे, देख लेना, हम इससे कोई भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आपका नहीं रुकेगा। XOR गेट का आउटपुट पूछा है, हाँ, XOR बी क्या होगा, AB+AB, ये जो लास्ट पेपर सॉल्व करवाया था मैंने उसमें भी आपको बताया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, NAND एंड NOR दोनों यूनिवर्सल गेट है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, काफी लोग सिर्फ NAND करके आ जाते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे सर ने किया है, NOR भी यूनिवर्सल गेट है, तो दोनों में करेक्ट आंसर NAND और NOR दोनों आएगा। इन KMF फॉर द एक्सप्रेशन हैविंग डोंट केयर मींस क्या होगा, डोंट केयर मींस आइदर 1 और 0, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है क्या है। हाँ, तो आइदर 1 और 0 मींस डोंट केयर होगा। आउटपुट ऑफ फुल एडर क्या होगा, आउटपुट ऑफ फुल एडर जो है वो या तो सम होगा या तो कैरी होगा या तो दोनों हो सकता है। हाँ, मतलब आपको दोनों मिलेगा, सम और कैरी, सिर्फ सम मिलेगा और कैरी मिलेगा ऐसा नहीं। हाँ, 3 इनपुट 2 आउटपुट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट पेपर में। द नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड, देखो फिर से पूछा है। हाँ, इससे पहला जो पेपर मैंने करवाया उसमें भी पूछा था नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड, पीटा हुआ क्वेश्चन है, इसरो में बहुत पूछते हैं। हाँ, इसरो में पूछने के लिए फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा, 7, हाँ, 2 टू n-1, तो 7 आंसर आएगा।
वन मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू, वन मेगाबाइट इक्विवेलेंट टू क्या होगा ये पूछा है, हाँ 1 MB इज इक्वल टू 7 × 10 की 10 मतलब तो 1 KB होता है, हाँ काफी बार गलती हो जाती है, हाँ ऐसी 2 × 20 मतलब 1 MB होता है, तो 2 × 20 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके 2 × 30 मतलब 1 GB, हाँ आप ऐसा कह सकते हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमरी, ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, वोलेटाइल मेमरी कौन सा है, रैम है, देखो रोम, रोम दोनों ऑप्शन में दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब पेपर सॉल्व करवाया तब भी इस क्वेश्चन आया था, रैम इज अ वोलेटाइल मेमरी। टेलीफोन ट्रैफिक इज मेजर इन एरलांग, हाँ आपने अगर लास्ट पेपर मेरा सोल्यूशन देखा है, हाँ पहले जो इसके पहले दो करवाया 19 और 16 का, हाँ तो इसमें ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन आपको ऐसे ही आ जाएंगे, हाँ इरलांग के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। आइडेंटिकल टेलीफोन नंबर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, आइडेंटिकल टेलीफोन नंबर है किससे डिस्टिंग्विश करेंगे, एरिया कोड से डिस्टिंग्विश करेंगे, बिल्कुल सही है। द नाइक्विस्ट रेट ऑफ द सिग्नल सैंपल पर सेकंड में क्या होगा, ट्वाइस FM, हाँ देखो 1/TS इज इक्वल ट्वाइस FM ऐसा यहाँ पे मतलब बताया गया है, मतलब ट्वाइस FM ये पता ही, एलियासिंग के बारे में अगेन डिटेल में बताया था मैंने आपको, बहुत सारे पिटे हुए क्वेश्चन एक ही एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इन FM द कैरियर फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज डिटरमाइंड बाय, FM जो आपका होता है उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो होता है, हाँ वो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज से डिटरमाइन होता है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी से नहीं, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है उससे डिटरमाइन होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, हाँ एक्चुअली उस पर डिपेंड है, तो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज जो है उससे वो डिटरमाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इन एम ट्रांसमिशन द फ्रीक्वेंसी विच इज नॉट ट्रांसमिटेड, एम ट्रांसमिशन में जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट नहीं होता वो कौन सा होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है, हाँ बाकी लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, कैरियर फ्रीक्वेंसी ये सारा तो आप ट्रांसमिट करते ही हो, तो क्या आंसर आएगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी आएगा। इन PCM स्टैंड, PCM मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाँ ये काफी सारे एग्जाम वैसे पूछ भी लिया है, ये भी बहुत पूछते हैं, FM ब्रॉडकास्ट बैंड एक्सटेंड फ्रॉम FM का रेंज क्या होता है, 88 MHz to 108 MHz, FM का बैंडविड्थ कितना होता है, हाँ ये भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछते हैं, अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, नहीं आता है तो बताना तब भी मैं आपको आंसर कर दूंगा। सैटेलाइट अर्थ आइसो स्टेशन हैज, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन में ट्रांसमिटिंग एंटेना भी होता है, रिसीविंग एंटेना भी होता है, बिल्कुल सही है, बोथ रिसीविंग ट्रांसमिटिंग एंटेना। द वेट टाइम पीरियड ऑफ टेलीफोन कन्वर्जन वाया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज कर रहे हो तो टेलीफोनिक कन्वर्जन का टाइम कितना होगा पूछा है, इन द ऑर्डर ऑफ 0.54 सेकंड होता है, अब सर ये कैसे है, एक्चुअली 540 मिली सेकेंड ऐसा कहते हैं। अब आपको अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो, हाँ आपका आप कहता है आपको वेलोसिटी हो, आप आपका क्या होता है 3 × 10⁸, आपका जो डिस्टेंस है टोटल ट्रैवल करेगा जाके आएगा तो आपका 72,000 किलोमीटर्स, हाँ आप रेशियो लोगे तो आपको अराउंड 24 मतलब 240 मिली सेकेंड मिलेगा, तो एक जनरली सारा मतलब अगर आपको मिला दो आगे का हो पीछे का हो तो एक होप के लिए 270 मिली सेकेंड चाहिए, तो आपको पूरा ट्रांसमिशन के लिए पूछा है मतलब दोनों होप के लिए चाहिए तो आपको 270 + 270 मतलब 540 मिली सेकेंड चाहिए, ऐसे इसका आंसर आता है। नेक्स्ट प्राइमरी पावर सोर्स ऑफ सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट का प्राइमरी पावर सोर्स क्या होता है, सैटेलाइट का प्राइमरी पावर सोर्स जो है वो आपको बताया सोलार सेल है, हाँ वहाँ तो कुछ होता नहीं है तो जो सोलार बैटरी होता है उसी से चलता है क्योंकि वहाँ सनलाइट आता है। नेक्स्ट द रेंज ऑफ कॉर्डलेस टेलीफोन इज अराउंड, देखो अब एडवांस कॉर्डलेस टेलीफोन आया जो 400 मीटर का रेंज देते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज कॉर्डलेस टेलीफोन का जो रेंज होता है वो 100 मीटर होता है, ठीक है तो 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर, अगर इनडोर में है तो अराउंड 50 to 60 मीटर होता है, आउटडोर में अराउंड 300 मीटर राइट नाउ अवेलेबल है कॉर्डलेस फोन लेकिन टिपिकली अराउंड 100 मीटर रेंज होता है। UPS कंटेंस, हाँ UPS में क्या होगा, अगेन UPS में इन्वर्टर होगा, रेक्टिफायर होगा, दोनों होगा, हाँ दोनों होगा, बोथ रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इन कमर्शियल FM ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल एट 98.3 MHz, हाँ आप सुनते हो 98.3 MHz FM तो वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है, 98.3 जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है। इन सेल कम्युनिकेशन सेल स्टैंड्स फॉर, सेल मतलब जियोग्राफिकल एरिया, हाँ सेल मतलब बैटरी के सेल की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, यहाँ पे एक जियोग्राफिकल एरिया जो हेक्सागोनल है इसका शेप क्या होता है ये भी पूछते हैं, हेक्सागोनल शेप होता है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया, हाँ टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है वो DC पे वर्क करता है -48 volt DC, हाँ माइनस वोल्टेज का यूज क्यों, नेगेटिव वोल्टेज का यूज क्यों किया जाता है, अगर किसी को पता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना।
क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। हाँ, आप टेलीफोन लाइन से आ रहे हो और कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू में इस क्वेश्चन काफी बार काफी लोगों को पूछा हुआ है। नेक्स्ट, इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फॉलोइंग इज यूज लेजर एलईडी, दोनों दोनों का यूज होता है। लेजर भी का भी यूज होता है, एलईडी का भी यूज होता है, तो लेजर एलईडी बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट कैन बी यूज टू एक्सटेंड द ट्रांसमिशन डिस्टेंस ऑफ द फाइबर ऑप्टिक सिस्टम। आपका ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम है, हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिपीटर का यूज करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर का यूज करेंगे, कोएक्सियल केबल का यूज करेंगे, नहीं कोएक्सियल केबल का यूज करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ए और बी दोनों का यूज करेंगे, हाँ, मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिपीटर का यूज करते हैं। मुझे फॉर एग्जाम्पल अप टू 80 मीटर सिग्नल सेंड करना है, तो जनरली जो ऑप्टिकल फाइबर का लॉस होता है वो जब नया केबल डाले तब टिपिकल 0.2 dB पर किलोमीटर होता है। हाँ, तो जनरली जो पुराना सिस्टम था अब तो 30 dB वर्क करता था, अब नया सिस्टम जो आया है वो तो 22 dB वर्क करता है। तो अगर ज़्यादा रेंज तक आपको भेजना है तो 22 dB तक सिस्टम वर्क करता है, और फिर जॉइंट्स आते जाएंगे तो वो जनरली पुराना BSNL का केबल है तो ऐसा गिनते हैं कि 1 dB पर किलोमीटर का लॉस होता है। तो 22 dB लॉस मतलब आप 20 किलोमीटर ज़्यादा नहीं भेज पाओगे, तो पूरा फॉर एग्जाम्पल पूरा सर्कल कनेक्ट करना है, हाँ, या पूरा SSA कनेक्ट करना है तो फिर कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिपीटर रखने पड़ेंगे या फिर ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अनलाइक वायर्स ऑप्टिकल फाइबर आर इम्यून टू, हाँ, ऑप्टिकल फाइबर आर इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बिल्कुल, हाँ, सिग्नल लॉसिस लॉस तो मतलब एटेन्यूशन होता है, एक्चुअली सिग्नल लॉसिस बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन लॉस होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 63 में आंसर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए तो ये ओवरहेड भी डालते हैं। हाँ, मतलब आप खंभे पे भी ऑप्टिकल फाइबर देख लोगे आपका, अभी तो जो भी केबल टीवी चलता है एसी पे चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ऑप्टिकल फाइबर में बिल्कुल नहीं होता, अगर होता होता तो ये नहीं जाता। इवन पावर ग्रिड वाले भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, हाँ, अपना ट्रांसमिशन के लिए, इसी पर्पज से, उसका दो पर्पज से हो जाता है, हाँ, एक तो वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इम्यून है, और बिजली होता है तो वो उसके ट्रांसमिशन को सेव भी करता है, हाँ, तो ये दोनों पर्पस की वजह से है। जो आपका बहुत बहुत पावर ग्रिड के बहुत बड़े मतलब ट्रांसमिशन के खंभे देखोगे तो उसके एग्जैक्टली बीच में एक ऊपर केबल होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। नेक्स्ट, इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सिग्नल LED लेजर्स करेंगे तो लाइट से ही ट्रांसमिट होगा, हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन। लेजर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, हाँ, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर ये नहीं लिखा होता तो इस क्वेश्चन टफ हो जाता, जब लिखा है कि स्टिमुलेटेड एमिशन है, हाँ, तो फिर यही आंसर होगा स्टिमुलेटेड एमिशन। नेक्स्ट, इंटेल 8086, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले करवाया था। 8086 16-bit माइक्रोप्रोसेसर है, लास्ट पेपर में डील में आपको 8086 के बारे में बताया है। 6 byte मीन्स कितना होगा, हाँ, 6 × 1 byte, मतलब ऊपर पहला क्वेश्चन था 8 bit, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 इज द करेक्ट आंसर। और माइक्रोप्रोसेसर कंटेंट, माइक्रोप्रोसेसर में क्या होगा, हाँ, मोस्ट ऑफ द कंट्रोल एंड अरिथमेटिक लॉजिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर होगा, माइक्रोप्रोसेसर में रैम रोम अंदर नहीं होता, हाँ, इसलिए यही आंसर आएगा। ये भी पीटा मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। 32-bit माइक्रोप्रोसेसर हैज अ वर्ड लेंथ ऑफ 32 bit, हाँ, मतलब 4 byte, तो वर्ड लेंथ क्या होगा, 4 byte। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी द साइज ऑफ एंटेना शुड बी स्मॉल, स्मॉल नहीं सर, वेरी वेरी स्मॉल, हाँ, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे साइज ऑफ एंटेना बहुत कम हो जाता है। अब जब 5G आएगा, हाँ, जहाँ पे बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का यूज होगा, आपका बिल्कुल छोटे साइज का, हाँ, आपके पेन से भी छोटा एंटेना का साइज जो है वो हो जाएगा, हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतना एंटेना साइज कम। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ माइक्रोवेव रिपीटर्स आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द प्राइमरी नॉट यूज इन द माइक्रोवेव सिस्टम, माइक्रोवेव सिस्टम में क्या यूज नहीं होता ऐसा पूछा है, हाँ, तो पीएन जंक्शन डायोड का यूज हम नहीं कर सकते, कि पीएन जंक्शन डायोड जो माइक्रोवेव में वर्क नहीं करता, हाँ, क्लिस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन TWT ये सारा यूज होता है, हाँ, ऑसिलेटर एम्पलीफायर ऐसे यूज होता है सारा। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर है मतलब इंप्यूरिटी कौन सी है, हाँ, डोनर इंप्यूरिटी की एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर है मतलब डोनर इंप्यूरिटी है, एन विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन पी होगा, तभी तो एन टाइप कहते हैं इसे, हाँ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स आर कार्बन माइक्रोफोन, हाँ, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो है वो कार्बन माइक्रोफोन होता है,
हाँ वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ जाती है आती है, उसका उस पर पूरा फंक्शन डिपेंड रहता है। द रिसेप्शन जनरली एम्प्लॉयड फॉर रिसेप्शन ऑफ लोकल टेलीविजन सिग्नल इज, हाँ मतलब क्या यूज़ होता है, यागी आपके घर पे पहले कौन सा एंटेना होता था, यागी उड़ा एंटेना, हाँ यागी एंटेना का यूज़ करते थे, अब तो नहीं होता दूरदर्शन देखने के लिए, हाँ पूरा एंटेना हिलाते रहते थे तब काफ़ी सिग्नल डिग्रेड भी हो जाता था, तो पूरा एंटेना हिलाओ तब अच्छा आता था, ऐसा आपने बहुत किया है, अब तो बहुत पुराना हो गया, अब तो एक्चुअली नाशप्राही हो गया, मतलब बंदी हो गया ऑलमोस्ट आप ऐसा बोल सकते हो। CDMA स्टैंड्स फॉर, CDMA मतलब कैरियर डिवीजन मल्टीप्लेक्स है, नहीं है CDMA मतलब कोर डिवीजन मल्टीप्लेक्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट टी, हाँ CDMA TDMA FDMA आप पढ़ते हो। फॉलोइंग इज आर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सिलिकॉन और दोनों सेमीकंडक्टर है, हाँ बहुत डिटेल में आप EDC में पढ़ते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायोड, कौन सा डायोड नहीं है, NPN डायोड नहीं होता, NPN ट्रांसफर होता है, PN जंक्शन डायोड होता है, SNL डायोड होता है एंड टनल डायोड होता है। वैन इसमें से कौन सा डायोड जो है वो रिवर्स बायस डायोड है, हाँ ये आप मुझे ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई ये तीनों में से कौन सा डायोड जो है रिवर्स बायस डायोड है और जेनर डायोड जो है हाँ उसमें कौन सा ब्रेकडाउन होता है। व्हेन अ डायोड इज नॉट कंडक्टिंग इट्स बायस इज, डायोड जब कंडक्ट नहीं करता तो उसका बायस कौन सा होता है, हाँ व्हेन डायोड इज नॉट कंडक्टिंग तो क्या होगा, या तो जीरो बायस होगा या तो रिवर्स बायस होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एट द रूम टेम्परेचर करंट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट ऑलवेज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल होता है, हाँ करंट इज ऑलवेज सम ऑफ IP प्लस IN मतलब इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, तो ऑलवेज करंट दोनों की वजह से होता है। इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन आर, BJT के पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन सारा है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, तो यहाँ तीनों ऑप्शन में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ FET, कौन सा FET नहीं है, शॉर्ट की TTL होता है, शॉर्ट की FET नहीं होता, हाँ शॉर्ट की TTL जो है वो TTL का फास्टर टाइप ऑफ TTL है, शॉर्ट की BJT भी होता है, शॉर्ट की FET नहीं होता। LED इज नॉट यूज इन, LED कहाँ पर यूज नहीं होता, LED जो है रेक्टिफायर में यूज़ नहीं होता, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, डिस्प्ले डिवाइस हर जगह पे आप LED का यूज़ करते हो, रेक्टिफायर में उसका यूज़ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर सर्किट हैज़ द हाइएस्ट इनपुट इम्पिडेंस, हाइएस्ट इनपुट इम्पिडेंस किसका होगा, MOSFET का होगा, हाँ हाइएस्ट इनपुट इम्पिडेंस किसका होगा, MOSFET का होगा, 10^12 अराउंड होता है। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑसिलेटर, कौन सा ऑसिलेटर नहीं है ऐसा पूछा है, तो ऑपएम्प जो है वो एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर नहीं है, बाकी फेज शिफ्ट LC क्रिस्टल ऑसिलेटर पूछते हो। इसमें से हाईएस्ट क्यू फैक्टर किसका होता है, हाईएस्ट क्यू फैक्टर क्रिस्टल ऑसिलेटर का होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ आप करते हो, आपका माइक्रोप्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में इनपुट में जब भी आप प्रोग्राम प्रोजेक्ट करते थे तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का ही यूज़ करते थे, हाँ क्योंकि उसका क्यू फैक्टर बहुत ही स्टेबल फ्रिक्वेंसी देता है। इन ऑपएम्प, ऑपएम्प का ये पूछा है, ऑपएम्प हैज़ लो आउटपुट इम्पीडेंस एंड हाई इनपुट इम्पीडेंस, हाँ ऑपएम्प का आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है, इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए इनपुट इम्पीडेंस को आप इनफाइनाइट करके ओपन सर्किट कर देते हो, आप वर्चुअल ग्राउंड कर देते हो ऑपएम्प में जब यूज़ करते हो तब, ठीक है ये याद रखोगे तो उससे आपको याद रह जाएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं, हाँ और काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, मैंने आपको बोला वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट याद रखोगे क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट हो गया तो फिर वहाँ पे आपका वर्चुअल ग्राउंड हो गया, मतलब दोनों लीड पे सेम वोल्टेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग IC सीरीज, ये मेरा याद रखने का तरीका, हाँ ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद कैसे रखते हैं ये बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ICs, ऑपएम्प का IC 741, हाँ 741 ऑपएम्प ऐसा ही आप पढ़ते थे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मुझे लग रहा है ये पेपर जो है डिप्लोमा लेवल का है, हाँ कुछ क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल के हैं। VSWR स्टैंड्स फॉर वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, VSWR मींस वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑफ IIT के क्वेश्चन है, हाँ कौन सा टर्मिनोलॉजी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का है ऐसा पूछा है, सॉरी नहीं है ऐसा पूछा है, हाँ एरे स्टैक होता है, लिंक लिस्ट होता है, सर्चिंग सॉर्टिंग होता है, DNS नहीं होता, हाँ मतलब डोमेन नेम सिस्टम नहीं होता, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस मैनेजमेंट, अब DBMS क्या है, ओरेकल, ओरेकल जो है पूरा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है,
हाँ ओरेकल जो है एक बहुत ही पहले सबसे आप कह सकते हो कि सबसे पहला कंपनी, हाँ ऐसा जो DBMS जिसने अपना सिस्टम बनाया यूज़ किया, हाँ और बहुत बड़ा नाम है अब तो। OOP स्टैंड्स फॉर, OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा। हाँ ये इससे पहले भी आ गया था, हमने पढ़ा था, बात की थी इसके बारे में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, कैपेसिटी ऑफ AC पैकेज यूनिट रिगार्डिंग एयर कंडीशनिंग ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज आर टर्म एस, क्या होता है? TR, हाँ TR इज द टर्न, टर्न में कहते हो ना आप, तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, TR को ऐसा कहते हैं हम। यूनिट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेशन, और आप कह सकते हो कि कूलिंग इक्विपमेंट का कितना कूलिंग करेगा, हाँ उसका यूनिट है टर्न रेफ्रिजरेशन TR में। जब आप AC परचेस करते हो तो यूनिट लिखा हुआ हो रहता है। फॉलोइंग केमिकल इज मेनली यूज इन फायर फाइटिंग सिलेंडर इन टेलीफोन एक्सचेंज, हाँ आपका जो लाल कलर का सिलेंडर आपने देखा होगा, हाँ काफ़ी जगह पे होता है, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, टेलीफोन एक्सचेंज में देखा होगा, तो उसमें एक्चुअली कौन सा केमिकल होता है पूछा है, उसमें CO2 होता है, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इन ब्रॉडबैंड सर्विस ओवर कॉपर लाइन ट्रिपल प्ले डज नॉट इंक्लूड, ट्रिपल प्ले में क्या नहीं होगा? टेलीग्राम नहीं होगा। टेलीग्राम मतलब अभी जो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, अभी जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसकी बात नहीं है। हाँ ब्रॉडबैंड सर्विस ओवर कॉपर लाइन इंटरनेट ट्रिपल प्ले मतलब वॉइस इंटरनेट वीडियो, हाँ ये मतलब होता है टेलीग्राम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये पेपर में ऐसा, हाँ मैंने जूम करके नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको उस क्वेश्चन पढ़ के दूंगा ढंग से। टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एज पर कंस्ट्रक्शन इज आर, हाँ ओनली मोनोलिथिक, ओनली थिन फिल्म, ओनली हाइब्रिड और ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव आएगा, ICs के टाइप पूछे हैं तो सारे हैं, हाँ मोनोलिथिक होता है, थिन फिल्म होता है, हाइब्रिड होता है। डायोड इज प्राइमरली नॉट यूज इन द फॉलोइंग एनालॉग सर्किट, डायोड किस में यूज नहीं होता? हाँ ऑसिलेटर, रेक्टिफायर, क्लिपिंग क्लैंपर, क्लिपर क्लैंपर, ये क्लैंपर है, हाँ ये क्लिपिंग सर्किट, क्लैंपिंग सर्किट ऐसा ऑप्शन है ये। तो रेक्टिफायर प्राइमरली रेक्टिफायर में होता है, बिल्कुल होता है, हाँ डायरेक्ट सही तो पूरा ऑपरेशन होता है। क्लिपर में होता है, बिल्कुल होता है, क्लैंपर में होता है, बिल्कुल होता है, तो किस में नहीं होता? ऑसिलेटर में नहीं होता, तो ऑसिलेटर इज द करेक्ट आंसर। इन द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कंपोनेंट्स आर, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है? इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस तीनों होता है। हाँ जैसे कि आप सिर्फ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है आपका LC टैंक सर्किट, जिसके बारे में बहुत पूछते हैं हम। LC टैंक सर्किट इसलिए कहते हैं कि LC का और CL में दोनों एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं लेकिन एक लंबे टाइम तक होता रहता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर हैज हाउ मेनी PN जंक्शन, क्या नाम है ट्रांजिस्टर का? BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो कितने जंक्शन होते हैं? दो जंक्शन होते हैं, इसलिए तो कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, हाँ दो पोलर है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, हाँ लाइस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मोर देन इंसुलेटर, लेस देन इंसुलेटर, नन ऑफ दिस, क्या आंसर आएगा? लाइस इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसीलिए तो इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर, हाँ क्योंकि काफ़ी बार ऐसे इंसुलेटर वर्क करता है, काफ़ी बार ऐसे कंडक्टर वर्क करता है। आप एनर्जी बैंड डायग्राम से बहुत ही अच्छे से ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, JTO BSNL JTO LIC 2013 महाराष्ट्र सर्कल का पेपर था जिसका आंसर की अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने पहले सॉल्व करवाया है। हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, हाँ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कोई अगर इस क्वेश्चन पेपर में जो आपको मैंने पढ़ाया है उसके बारे में कोई भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, हाँ आप सब्सक्राइबर हो, रेगुलरली मेरे वीडियो देख रहे हो, आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तब भी आपका फीडबैक जो है, जो भी फीडबैक है ऑलवेज वेलकम रहेगा, ठीक है। आप जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मुझसे बन सकेगा इतना इंप्रूवमेंट करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।